हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिट्टू और आप देख रहे हैं द आर्ट वर्ल्ड ऑफ बिट्टू। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि हम उस दिन डॉन सॉल पेस्टल 25 शेड्स का रिव्यू किए थे, तो मैंने आपको कहा भी था कि मैं अब अगली वीडियो में अगले संडे आपको अपने डॉन सॉल पेस्टल और स्कैमल ऑयल पेस्टल नॉर्मल क्वालिटी कलर्स के साथ मिलूँगा। तो आज हम उनको ही कंपेयर करेंगे कुछ तरीक़ों से। तो आपको मैं पहले आपको अपना कलर्स दिखा दूँ। ये देखिए, ये है डॉन्स ऑयल पेस्टल जिसका हमने अभी रिव्यू किया था संडे को, और ये हमारा है कैमल ऑयल पेस्टल। ये देखिए, आपको ये अलग अलग वैरायटी में मिलेगा। ये मैंने प्लास्टिक बॉक्स का लिया है, आप इसको पेपर बॉक्स में भी आपको ये मिलेगा। ये इस टाइप का होता है, इसमें ये कैमल ऑयल पेस्टल होते हैं कैमल कॉया क्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं मेरे पास ड्राइंग बुक, टिश्यू पेपर, मैंने अपने कलर्स ले लिए हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली है। मैं अब आपको इसको लेबल करके दिखाता हूँ, लेबल कर रहा हूँ। ये हमारा नॉर्मल क्वालिटी है, इसलिए मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, आपको शायद नहीं दिख रहा। हैं, और अब हम करेंगे यहाँ इस साइड, एक साइड डॉम्स का। देखिए, एक साइड मैंने डॉम्स लिखा है और एक साइड मैंने कैमल लिखा है। तो मैं कैमल में नॉर्मल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कैमल के दो वर्जन होते हैं, सुप्रीम एंड स्टूडेंट। तो ये हमारा स्टूडेंट क्वालिटी है, इसलिए मैंने नॉर्मल लिख रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कलर कैसे करते हैं। टॉम्स में सिर्फ एक और क्वालिटी होती है, जंबो कहते हैं उसको। वो जंबो क्या होता है, वो थोड़ा मोटा कलर होता है, वो थोड़ा सा वेट टाइप का होता है। तो वो सुप्रीम कैमल का जो होता है उससे थोड़ा कम होता है ताकतवर, देखिए उसमें कम थोड़ा क्वालिटी होती है उसकी सुप्रीम से। तो हम जो इसमें कलर लेंगे वही कलर डॉम्स में कैमल में भी लेंगे, जिससे हमारा शेड अच्छा आए। ये देखिए मेरे कलर, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा। तो हम पहले ले लेते हैं कैमल से। कैमल से हम लेंगे हम ले लेते हैं प्राइमरी रेड, और डॉम से प्राइमरी रेड, इससे अब इससे हम कौन सा कलर ले सकते हैं, ऑरेंज, और इससे भी हम ले लेते हैं ऑरेंज। अब हम लेंगे इसमें येलो, लेमन येलो, आप लेमन येलो ले लीजिए, कोई सा भी कलर ले लीजिए चेक करने के लिए, और मीडियम येलो, मीडियम येलो और डार्क येलो मैंने लिया है। तो इसमें हमारे पास मीडियम येलो और लेमन येलो है, तो मैं लेमन ले लेता हूँ, डार्क को मैं रख दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद ये हमारा हो गया यहाँ पर, लेमन, ये हमारा लेमन येलो मैंने लेना भूल गया था, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सबसे लाइट कलर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे लाइट कलर इसमें है लेमन येलो, ये मैंने डॉम्स का लिया है, और इससे मैं अभी डॉम्स का करके आपको दिखाता हूँ।
इसके बाद मैं लूँगा मीडियम येलो, ये थोड़ा डार्क होता है। इसको हल्का सा आप अपने लेमन येलो के ऊपर हल्का सा लेयर कर दें यहाँ पे, जिससे ये आपको ब्लेंडर दिखे, मिक्स नहीं होगा जिससे कलर। अब मैं लूँगा ऑरेंज, ये देखिए जैसे मैं येलो के ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, उससे क्या होता है उस जगह पे ब्लेंड हो जाता है तो वहाँ पे कलर फैलते नहीं है जल्दी। मेरा लास्ट कलर प्राइमरी रेड, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था मैंने वैसे ही कर रहा हूँ अभी। अब हम ले लेते हैं डॉम्स के भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, पहले लेमन येलो। आप जैसे ये देख सकते हैं आपको इसमें साफ नजर आ रहा होगा कि इसका लेमन येलो क्या होता है, ये थोड़ा लाइट होता है, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद मीडियम येलो, उसके बाद ऑरेंज, ये ऑरेंज है इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा लेयर कर दे रहा। अब मैं लास्ट कलर अपना लेता हूँ प्राइमरी रेड, तो अभी आपने ये कलर्स ले लिए हैं। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे टिश्यू पेपर की मदद से, आप फिंगर टिप भी यूज कर सकते हैं, फिंगर टिप यानी कि आपकी उंगली के ऊपरी हिस्से से किसी क्लॉथ में आप रख के अपनी उंगली और ब्लेंड कर लो ये, तो उसको हम फिंगर टिप ब्लेंडिंग कहते हैं। जो मैंने जैसे अपना टिश्यू पेपर ले लिया है, मैं उसको पहले फोल्ड कर लूँगा जिससे मोटा हो जाए, लेकिन इनको ज़्यादा मोटा हो रहा है तो मैं इनको क्या करूँगा, अपने जब टिश्यू पेपर आप लेंगे तो उनको ऐसे खोलिए हाफ में और ऐसे हाफ कट कर लीजिए, कट या फिर टीयर ऐसे कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा। अब ब्लेंड करते हैं, देखिए तो आप यहाँ देखते रहिएगा, आपको यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा, ये बहुत अलग हो हैं यहाँ पे। मैंने शायद आपको ड्राइंग बुक आपको अच्छे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन आप ये देखिए, ये देखिए ये निचला हिस्सा यहाँ से हम किए हैं, तो ये देखिए ये आपको बहुत लाइट होंगे, ये थोड़ा डार्क दिख रहे होंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा कम लेमन येलो यूज़ किया है तो मैं उसको और कर देता हूँ थोड़ा। इसमें क्या होता है डार्क जो है इसमें वो कम डार्क है थोड़ा, है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा कैमल का है, ये लाइट है और ये थोड़ा डार्क है। ब्लेंड करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, अभी तो अच्छा दिख रहे हैं दोनों। तो पहले हम नीचे से लेंगे, पहले लेमन येलो, फिर मीडियम येलो। पहले आप ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा ऐसे साइड साइड में ब्लेंड कर लें, ऑरेंज का हल्का सा लेयर छोड़ दें इसका, फिर जब ऑरेंज बन जाए तो ऐसे ऐसे करिए तो देखिए आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लेंडिंग हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए ऑरेंज इसमें ऊपर आता है तो आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, वो ब्लेंड हो जाती है बाद में ही। अब देख रहे हैं ये मेरा डॉम्स का है, ये आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको यूज़ करें। जैसे कि अगर आपको लो प्राइस में लेना है और आपको थोड़ा सा जल्दी ब्लेंड करने के लिए चाहिए, जिसके आप छोटे हैं या फिर किड्स या फिर एडल्ट्स के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये मेरा टिश्यू पेपर है और आसानी से ये ब्लेंड हो गए हैं। कॉटन से ब्लेंड करने में आपको टाइम लग सकता है, तो इसलिए कॉटन के ऊपर ये ना सोचे कि कॉटन से ब्लेंड नहीं हो रहा तो ये अच्छा नहीं है,
अप्सरा के भी अच्छे आते हैं, लेकिन अप्सरा के क्या होते हैं, वो कॉटन में ब्लेंड होते हैं, तो अगर आप उसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड करेंगे वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। देखिए ये भी मेरा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। है ना, देखिए सॉरी अभी आपको एक आवाज़ आई थी, वो मैं अभी घर में आपको शूटिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंस साफ दिख रहा होगा कि ये इसमें मुझे हार्ड होता है थोड़ा सा, ये देखिए दोनों कलर्स में बहुत डिफरेंस है। ये जो होते हैं ऐसे ब्लेंड होते हैं जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि आपने इसमें ब्लेंडिंग की है। ये जो होते हैं ये थोड़ा सा कम पावरफुल होते हैं, तो इसमें आपको ब्लेंडिंग जैसा दिखता है, इसमें आपको लाइंस टाइप का दिखेगा। तो अभी आपने देखा कि ये कैसे होते हैं, अब हम इसका करेंगे, देखेंगे कि इनमें क्या कहते हैं, किस किस कैटेगरी में, या फिर आप किस किस तरीके से जो कर सकते हैं, है ना। वही है तो सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको अपने कलर से ब्लेंडिंग करके दिखाई थी, जो ये हैं। ये इसके लिए आपको क्वालिटी के लिए थोड़ा पेपर भी चाहिए होते हैं। मैं तो अभी शिवलाल ड्राइंग का यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़े से हार्ड पेपर होते हैं, आप इसमें ऑयल पेस्टल यूज़ कर सकते हैं, और किसी ब्रांड के होने चाहिए वो। ये देखिए, ये देखिए हमारा कैमल का अच्छा नहीं आया है उतना जितना डॉम्स की आया है। डॉम्स का क्या खासियत होती है, वो जल्दी ब्लेंड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं और अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आप उनकी पॉइंट्स की बात करते हैं तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉम्स यूज़ करिए, आपके लिए कैमल भी वैसे वेस्टेज नहीं है, कैमल भी अच्छे होते हैं। बस अगर आपको वो ज़्यादा कलर यूज़ कर रहे हैं या फिर एक जगह पर ज़्यादा बार कर देते हैं तो वहाँ पे वो टाइट हो जाता है, तो उसको टिश्यू पेपर से आप करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको उसको अपने नेल से या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वहाँ पे हटा कर फिर ब्लेंड करना पड़ता है। तो आप उसको डॉम्स को यूज़ करिए, तो मैं आपको अगर आप पॉइंट्स की बात करते हैं तो मैं डॉम्स को 10 out of 9, क्योंकि डॉम्स जो होते हैं वो थोड़े से लो होते हैं, वो जल्दी घिस जाते हैं, तो 10 out of 9, और कैमल को 10 out of 7। ये थोड़े से वो होते हैं, जैसे कि देख लीजिए आप किसी भी कलर को देख लीजिए, मोटे तो होंगे, मैट दिखेंगे, लेकिन उंगलियों में भी चिपक जाते हैं, ये देखिए आसानी से, लेकिन ये होते अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, ये कॉपीज में अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे सुप्रीम ऑयल पेस्टल 50 and 25 shades के वीडियो में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिट्टू और आप देख रहे थे आर्ट वर्ल्ड बिट्टू। आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।